हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेक्टेंगल आयत आयत की एक हम लोग ने एक क्लास डिस्कस की, तो कुछ बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन हमने डिस्कस किया था। और आयत की आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, जिसमें आयत के कुछ और बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन होगा, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज के प्रश्न बहुत ही लाजवाब हैं, आज की क्लास ही बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि आज के जो प्रश्नों का कलेक्शन लिया गया है रेक्टेंगल आयत के, बहुत ही बेहतरीन है। एक एक प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझना होगा, और बहुत ही मतलब ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन शायद ही एक साथ इतना बड़ा कलेक्शन आपको अवेलेबल कराया जाए। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल के एक एक प्रश्न को अच्छे से समझना है। सभी गुना पर आधारित हैं, कोई प्रतिशत पर आधारित है, मतलब रेक्टेंगल में ये सब प्रोसेस होगा। गुना पर आधारित प्रश्न होंगे आज, परसेंटेज पर आधारित प्रश्न होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो आज की क्लास प्रारंभ की जाए। सभी लोग तैयार हैं बिल्कुल, पेन पेंसिल रबर कटर लेकर बैठ जाओ और धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं आज की, ना। चलिए फिर, जो इससे पहले क्लास हुई थी आप उसको तो पढ़ ही लिए होंगे रेक्टेंगल की। उसमें हमने आपको एरिया निकालना, डायगोनल निकालना, पेरीमीटर निकालना, ये सब चीज़ें सिखाई। तो वो तो बेसिक था, हमने कहा था जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे, क्लास का लेवल बढ़ाते जाएंगे, तो आज और लेवल पे हम लोग बात करने वाले हैं, बढ़िया लेवल पे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, ठीक है। सुनते जाइएगा, बस जैसे जैसे वो बोलेगा वैसा वैसा प्रोसेस लगाएंगे हम लोग। बस एक आयत बना लीजिए सबसे पहले, ठीक है। एक आयत बना लो, जैसे जैसे वो बोले वैसा वैसा करो। अब सुनते जाना एक एक बात को ना, जैसा वो बोलेगा वैसा आप करना। कह रहा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। आप चौड़ाई को एक्स मान लो, कि आयत की जो चौड़ाई है वो एक्स है, और जो इसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई की कितना है, 6 गुनी है। तो लंबाई इसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। उसने कहा है एक आयत की लंबाई मीन्स लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना है, 6 गुना है। तो ये वाली अगर x है तो इसका 6 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक। यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, आयत का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 56 मीटर है। अब समझना, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2L प्लस बी। ये परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप कितना दिया गया, 56। आयत का परिमाप हमने रख दिया 56, ठीक है। 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 28। एल बराबर कितना है, 6x है, और बी बराबर कितना है, एक्स है, और इक्वल टू में कितना बचा, 28। 6 और 1 7x, 7x बराबर 28, x बराबर कितना आ जाएगा, 4। x की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने, 4। x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये 6 × 4, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 24। और ये x की वैल्यू b में पुट कर दो तो b का मान कितना हो जाएगा, 4। आपसे क्या पूछा, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का एरिया क्या होता है, आयत का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है आयत का एरिया। L कितना है, 24 है, B कितना है, 4 है, तो 24 × 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा आयत का। बताइए कोई परेशानी कहीं पर। आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई थी, क्या दी गई थी, उसने कहा था कि एक आयत की जो चौड़ाई है, एक आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। तो हमने कह दिया उसकी चौड़ाई x है, और x का 6 गुना इसका लंबाई है, तो x का 6x इसकी लंबाई हो जाएगी। उसने परिमाप दिया था, तो आयत का परिमाप होता है 2 (L + b), ये आयत का परिमाप होता है, तो 2 (L + b) आयत के परिमाप का फॉर्मूला रख दिया, इक्वल टू में रख दिया 56। 2 से काटा तो कितना आ गया, 28। L बराबर कितना है, 6x है, b बराबर कितना है, x है, 6 और x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7x, और 7x की वैल्यू कितनी है, 28। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू आपकी 4 आ गई, तो हमने x की वैल्यू 4 इसमें पुट कर दिया तो आयत की लंबाई कितनी हो गई, 24, और 4 इसमें पुट कर दिया तो आयत की चौड़ाई कितनी हो गई, 4। अब क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, एरिया होता है L इंटू बी, तो 24 × 4, 24 × 96 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है कहीं पर, सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं हम।
अगर समझ में आ गया तो एक कमेंट तो बनता है आज, सभी लोग मन लगा के कमेंट कर दो आज अगर समझ में आ रहा है। आइए फिर अगला प्रश्न लेते हैं। एक आयत का परिमाप दिया गया, सबसे पहले एक आयत लेते हैं, जैसा जैसा कहेगा वैसे वैसे करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। एक आयत का परिमाप दिया है मीन्स 2l + b का मान हमें दिया गया कितना 24। वो परिमाप कहेगा, हम परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे, बात को समझना। वो क्षेत्रफल कहेगा, हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। वो डायगोनल कहेगा, विकर्ण कहेगा, हम विकर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे। जैसा वो कहेगा उसका फॉर्मूला लिखिएगा। उसने कहा आयत का परिमाप, हमने कहा 2l + b कितना दिया गया परिमाप 24, बराबर में 24 लिख दिया। अब आगे कह तथा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो चौड़ाई बी बराबर हमने कह दिया एक्स है और लंबाई इसकी दो गुनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। लंबाई जो है चौड़ाई की दो गुनी है, तो हमने कह दिया b बराबर x, तो लंबाई बराबर 2x। अब लंबाई और चौड़ाई को यहां पे लाके पुट करो, लंबाई कितनी है हमारी 2x और चौड़ाई कितनी है x इक्वल टू 24, और ये 2x और 1x 3x, 3x का गुणा इसमें करोगे 6x, 6x का मान 24, x का मान 6 × 24, x बराबर 4, x का मान 4 आ गया। बताओ कोई डाउट है? नहीं। चलिए अब x का मान इसमें पुट कर दो, तो 2 × 4 बराबर में 8, तो लंबाई कितनी आ गई हमारी 8। अब x का मान इसमें पुट कर दो तो b बराबर 4। हमसे क्या पूछा है उसका क्षेत्रफल बताइए, तो आयत का एरिया क्या होता है, आयत का एरिया होता है l इंटू बी, तो l आपका कितना आया है 8 और b कितना आया है 4, तो 8 × 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आयत का एरिया आ जाएगा। बताओ भैया कहीं पर कोई डाउट है, कोई परेशानी किसी को? हमें लगता है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। भैया आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो एक शेयर तो बनता है। अगर आपको हमारी बातें समझ में आते हैं, हमारे प्रश्न आपको समझ में आते हैं, तो एक शेयर तो बनता है ना। बताइए कोई परेशानी इस प्रश्न में आपको, कहीं पर कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ाया जाए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या कह रहा है? चलिए जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। इस बार हमसे उसकी लंबाई पूछ लिया, ठीक है? अब सुनिएगा क्या कह रहा है। जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा करो, बस जैसा वो कहे वैसा करो, जैसा वो तुमसे कहे, जहां मिलने को कहे वहां मिलने जाओ। अपने मन का करोगे तो मिलेगी भी नहीं ना, वैसे ही प्रश्न है। जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा करोगे तो आंसर मिल जाएगा, अपने मन का करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। चलिए आइए, कह रहा है एक आयताकार बोर्ड है, हमने कहा ये आयताकार हमारा बोर्ड है, ठीक है? आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की कितने गुनी है 4 गुनी, तो ये x है तो ये कितना होगा 4x होगा। एक आयताकार बोर्ड है, इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की कितनी है 4 गुनी, तो अगर ये x है तो ये कितना है 4x है, ठीक है? यदि बोर्ड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल l इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी, कितना है 256 है, तो आपने l का मान यहाँ पे कितना है 4x है और b का मान यहाँ पे क्या है x है इक्वल टू 256 है। इसको काटो, 4 × 6 = 24 और एक हासिल जाएगा 4 × 16, ये x का x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 64, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट में 64 है तो क्या बाहर आएगा 8, 8 × 64, तो x का मान आपने 8 निकाल लिया। बताओ कोई डाउट कहीं पर किसी को? यहाँ तक की बात क्लियर है? उसने आयत का क्षेत्रफल इस बार दिया था भैया, इसके पहले परिमाप दे रहा था, इस बार आयत का क्षेत्रफल दिया, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमने लिखा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई का मान 256 हमें दे रखा है, ठीक है? हमने लंबाई की जगह पर उसकी वैल्यू रख दी 4x, चौड़ाई की जगह पर उसकी वैल्यू रख दी x, और 4x और x 4 से इसको काट दिया तो 64 आ गया, x का x में गुणा करोगे x स्क्वायर बनेगा, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट लगेगा, तो 64 का क्या बाहर आ जाएगा 8, x बराबर 8 आ गया। बताओ कोई डाउट? x की वैल्यू आपने निकाल ली, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो 8 × 32, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो 8। हमसे क्या पूछा? तो उसकी लंबाई क्या होगी, तो आयत की लंबाई कितनी आई 32, ये देखो आंसर में लिखा हुआ 32 मीटर। बताओ कोई डाउट? जल्दी से समझो, कहीं पर कुछ परेशानी तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ाया जाए? चलिए, बिल्कुल समझ में आ रहा है।
आयत की लंबाई यहाँ पे 32 आ गई, चौड़ाई पूछता तो चौड़ाई कितना कह देते 8। उसने लंबाई पूछा इसलिए हमने कहा 32, वो चौड़ाई पूछता तो हम कहते 8। ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। आइए, कह रहा एक आयत का परिमाप इतना है, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई के कितना है, 5/2 गुना है। आयत की जो लंबाई है L जो है वो चौड़ाई का कितना है, 5/2 गुना है। ये बात कह रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई है सबको? ये लैंग्वेज बस एक कह रहा है, उस लैंग्वेज को लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया है। ठीक है, उसने कहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, उसने कहा एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, सुनते जाइएगा। उसने कहा यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई का कितना है, 5/2 गुना है, 5/2 कर दिया, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अब सुनते जाइएगा बस। अब हम ये कह सकते हैं, एक बात और कह सकते हैं, यहाँ से सुनते जाइएगा, हम इसको कहते हैं कि ये 5x है और ये 2x है। बताया जाए कैसे, हम इसको ये कह दें L अपॉन B, इस B को इसके नीचे बुला लो और इक्वल टू 5/2 कर दो और कह दो ये L की वैल्यू है, ये B की वैल्यू, इसको कह दो ये 5x है और ये 2x है। बस आंसर आ गया। आयत का परिमाप क्या होता है, 2L प्लस B, और परिमाप का आपको मान दिया गया कितना, 28। तो ये कटेगा 14 × 28। L बराबर कितना है, 5x, और B बराबर कितना है, 2x इक्वल टू 14। 7x की वैल्यू आ जाएगी 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू अब ले जाके इसमें पुट कर दो, तो x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो 5 × 2, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 10, और चौड़ाई में x की वैल्यू पुट करोगे 2 × 2, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 4, 10 और 4 आंसर आ गया आपका। बताओ, कुछ भी नहीं था प्रश्न में, ये प्रश्न आपका एसपी और सीपी के ऊपर, सीधे प्रॉफिट और लॉस के ऊपर हम लेके चले गए, ये रेशियो बन जाता है यहाँ से। उसने कहा एक आयत का परिमाप इतने सेंटीमीटर है, ठीक है, यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है, यदि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 5/2 है, चौड़ाई की 5/2 कर दिया, बी को इसके नीचे बुला लिया बटे में, तो एल अपॉन बी कर दिया और ये 5/2 है, हमने कह दिया एल का मान 5x है और बी का मान 2x है, तो जो परिमाप होता 2l प्लस बी इक्वल टू 28 परिमाप दिया गया था, 2 से काट दिया 14 आ गया, l का मान आ गया 5x, 5x रख दिया, b का मान 2x, 2x रख दिया, 5 × 2 = 7x, 7x का मान 14, x का मान 2 निकाल लिया, यहाँ पे ले जाके पुट कर दिया x का मान, तो लंबाई आपकी 10 आ गई, चौड़ाई आपकी 4 आ गई। बताइए कोई डाउट कहीं पर, जल्दी से पूछिए कहीं पर कोई डाउट हो आपको, जल्दी से कमेंट करिए और पूछ लीजिए अपने डाउट को, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ाया जाए, बताइए आगे क्लास कंटिन्यू करें, सबको समझ में आ गया है, कहीं पर कोई डाउट बाबू? आज तो आप ही लोगों का दिन है। चलो पांचवा प्रश्न पढ़ो जल्दी से। कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या होगी। वही पुराना प्रश्न अभी जो हम पढ़ा के गए हैं, क्या एक आयत ले लो, ठीक है, एक आयताकार भूखंड की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई का कितना है, 3 गुना है, तो अगर बी बराबर एक्स है तो एल बराबर क्या होगा, 3x होगा, क्योंकि उसने कहा है एक आयताकार भूखंड है, भूखंड की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो गई, 3x हो गई। क्लियर, बताओ यार जल्दी से, क्लियर है ना? चलो अब आगे क्या कह रहा है यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतने मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, इसका मान कितना दिया गया, 867, L का मान दिया गया 3x और B का मान दिया गया x इक्वल टू 867, इसको 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 × 6
कट गया, हासिल जाएगा 6, 3 × 2 = 6, हासिल जाएगा 2, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, ये x इंटू एक्स का स्क्वायर है 289, और x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो x का मान कितना आ गया 17। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो x का मान 17 है, अगर लंबाई की बात की जाए तो 17 × 51, तो क्या पूछा भूखंड की लंबाई, तो 51 मीटर आंसर आपका आ जाएगा। बताओ अभी पुराना प्रश्न ऐसा ही मैं पढ़ा के गया था, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये सब, ये प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो और अपने सारे डाउट का सॉल्यूशन हमारे साथ प्राप्त कर सकते हो। बताइए कहीं पर कोई डाउट, सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करने से आपको किसी ने रोका नहीं है, अगर आप हमसे पढ़ते हो तो आपका एक दायित्व भी है कि आप कमेंट कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न लिया जाए, आइए। दिया गया एक आयता का एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर का है। अब प्रश्न चेंज हुआ प्रश्न ना फिर से। चलो एक आयत लो, एक आयत ले लिया, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 का है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 6 का अंतर है। अगर हमने कह दिया कि ये b बराबर x है तो l बराबर x प्लस 6 कह सकते हो, देखो दोनों में 6 का अंतर है, मीन्स एक x है तो एक x प्लस 6 है। हमने कह दिया x बराबर 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो l बराबर कितना हो जाएगा 8, और दोनों में अंतर देखो 6 का है। कह रहा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 6 का अंतर है, भाई इतनी बात कही, हमने कहा ये x है तो ये x प्लस 6 है। अब सुनना क्यों कैसे पुट किया जाता है, अभी देख लो, l बराबर x और b बराबर x और l बराबर x प्लस 6, ये दो चीज़ें हैं। हमने b को कह दिया कि b की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 12 ले लो, तो ये 12 और 6 18, तो देखो लंबाई और चौड़ाई में 6 का अंतर है कि नहीं, जो वो कह रहा है, कह रहा है आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 6 का अंतर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में 6 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप ऐसे ये वैल्यू मान लेना, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये आपको चेक करना वरना नहीं वहाँ पे पेपर में, तो मैं आपको समझाने के लिए चेक करा रहा था। आप क्या कह रहा, इस आयत का परिमाप दिया गया, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है 2l + b, 2l प्लस बी का मान आपको दिया गया 64, इसको 2 से काट दीजिए 32, l का मान आपके पास कितना है बाबू, l का मान है x प्लस 6, तो l का मान x प्लस 6 रख दो, b का मान कितना है x इक्वल टू 32, अब ये 6 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये x और x 2x हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 26, x का मान कितना आ जाएगा 13, तो x का मान 13 आएगा, तो ये 13 हो जाएगा b, और ये 13 × 6 = 19 हो जाएगा। हमने दोनों जगह x का मान पुट कर दिया, यहाँ पे x का मान रख दिया तो ये 13 हो गया, यहाँ पे x का मान 13 रखेंगे तो 6 जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी, एल कितना है आपके पास 19 और b कितना है आपके पास 13, और 13 × 19 का मल्टीप्लाई कर दिया, 13 × 9 = 117, 13 × 13 = 11, 247 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जिसमें दिया गया है, वर्ग मीटर में दिया गया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में देता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी इस टाइप का हम लोग ऐसा प्रश्न नहीं डिस्कस किए थे, तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कोई डाउट है कहीं पर, उसने कहा अच्छा यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 6 का अंतर है, इन दोनों की भुजाओं में जो अंतर है वो 6 का अंतर है, देखो इसकी लंबाई हमने 13 निकाली है और इसकी लंबाई हमने 19 निकाली, तो देखो दोनों के बीच में 13 का 6 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 19 − 13 करोगे तो 6 आएगा, देखो 6 आ रहा, तो एक को x मान लो दूसरे को x प्लस 6 मान लो, एक को x मान लो दूसरे को x माइनस 6 मान लो, बात एक ही है, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 6 मान लिया इसको और x इसको मान लिया, इसका परिमाप दिया था, परिमाप क्या होता है 2l + b, एक मिनट पानी पी लेते थोड़ा सा, हाँ तो परिमाप क्या होता है हमारा 2l + b होता है, 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे 32 आएगा, आएगा ना, l और b, l का मान कितना है x प्लस 6, l का मान x प्लस 6 रख देंगे, b का मान कितना है x, b का मान x रख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 2x 6 उधर चला जाएगा माइनस, तो 32 से 6 घट जाएगा कितना आ जाएगा 26, 2 से काट दोगे x का मान 13 निकाल लिया, x का मान यहाँ पे पुट कर दिया, x का मान यहाँ पे पुट कर दिया, क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 19 × 13 कर दिया तो क्षेत्रफल निकल आया हमारा। बताइए कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए
बस ज़्यादा प्रश्न नहीं, बहुत परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज आपको हम। हाँ, ये 7 नंबर का प्रश्न लेते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। एक आयत है, ये आयत हमने ले लिया, ठीक है, ये आयत की चौड़ाई है, हमने आयत की चौड़ाई को कह दिया एक्स है। एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, इसकी चौड़ाई से लंबाई कितना अधिक है, 24 सेंटीमीटर, तो एक्स प्लस 24 कर दो। हमने इसको एक्स मान लिया, इससे ये 24 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये एक्स प्लस 24 हो जाएगा। यही तो कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की जो लंबाई है, ये लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है, 24 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर ये x है तो ये x प्लस 24 है, बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस b, 2l प्लस b का मान दिया गया 112, ये 200 काटो के 2 पंची 10 और 2 छंग 12, l का मान रख दो x प्लस 24 और प्लस का x इक्वल टू 56, ये x और x 2x हो जाएगा और 56 से 24 घटा दो, 6 से 4 जाएगा 2, 5 से 3 जाएगा 32, ये कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 16 दुना 32, x का मान आपने निकाल लिया 16। अब आगे समझिएगा, यहाँ पे x का मान पुट कर दो तो 16 प्लस 24 कितना होगा, x का मान जब पुट करोगे 16 प्लस 24, 6 4 10, 2 1 3 1 4, l का मान आ गया 40 और इसका मान कितना आ गया 16। आपसे क्या पूछा, आयत की लंबाई कितनी होगी, तो आयत की लंबाई 40 होगी। बताइए, कोई परेशानी, कोई डाउट, बिल्कुल आसान से हैं, कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी आपको समझाने के बाद हमारे। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। बताइए, कोई परेशानी है आपको, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आइए अब देखिए प्रतिशत की बात कर रहा है इस बार। ये देखिए, जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करते जाओ, आंसर आ जाएगा। हम कुछ भी नहीं करते हैं, वो जैसा प्रश्न आपसे बोल रहा है आप वैसा करो। देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा, एल इंटू बी, ये कितना है, 448 वर्ग मीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 12%। जब भी कोई भी चीज़ परसेंट में बढ़ रही हो तो एक को 100 मानना और दूसरे को उससे जितना अधिक कहेगा उतना अधिक कह देना, जितना कम करेगा उतना कम कर देना। जैसे कहा जाए कि आयत की लंबाई से, आयत की चौड़ाई से लंबाई 10% अधिक है, तो आयत की चौड़ाई को 100 मान लो, 10% अधिक है तो लंबाई 110 कर दो। जैसे कहा जाए आयत की चौड़ाई से लंबाई 10% कम है, तो आयत की चौड़ाई को 100 मान लो और जब कम हो तो 10 कम कर दो। वही कह रहा है, कह रहा है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है, चौड़ाई को 100 मान लो और इससे 12% अधिक है तो इसको 112 कर दो। ये कह दो ये 100x है और ये क्या है, 112x है। बस आ गया आंसर आपका। चलिए बढ़ाया जाए क्वेश्चन को आगे, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करने की बात हमसे कर रहा है। अगर हम चाहें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन कैंसिल आउट करेंगे तो थोड़ा सा समय हमारा चला जाएगा। चलो कोई नहीं, यहाँ पे लंबाई पुट कर दो 112x गुणे चौड़ाई पुट कर दो 100x इक्वल टू 448। हमें x का मान निकालना है, बात को समझते जाना, x और x का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 448 और इस 112 को नीचे भेज दो और बटे में क्या भेज दो 100। इस वाले 112 को यहाँ भेज दिया और इस वाले 100 को यहाँ भेज दिया और ये इससे कट जाएगा 4 बार में, ठीक है, ये इससे 4 बार में कट जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटा दो, उधर अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दो 4/100। अब 4 का क्या बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 100 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो x का मान कितना आ गया 2/10। यहाँ पे क्या पूछा, इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या माना आपने, 100x माना है और ये कितना निकाले हो 2/10, एक्स का मान 10 × 100 और 10 × 20, तो आय की चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर। बताइए कोई डाउट, फिर से समझा दिया जाए, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा समझना ज़रूरी है। चलो एक बार फिर से समझाते हैं आपको, देखो क्वेश्चंस को पढ़ के थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, 100% आपको समझ में आएगा बाबू। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है, हमने कहा आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी होता है, ये कितना दिया गया 448 दिया गया, l इंटू बी बराबर 448 हमने कर दिया। आगे क्या कह रहा, यदि इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई
इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है। इसकी चौड़ाई से कितना अधिक है? 12% अधिक है। तो हमने कह दिया ये 100 है और 100 से 12% अधिक है तो 112 है। जब भी परसेंट में कोई चीज दूसरे से अधिक हो तो एक को 100 करो और दूसरे को जितना ज्यादा हो उतना बढ़ा दो, ये प्रतिशत का नियम है। इससे 12% अधिक है तो ये 100 है तो ये 112। हमने कह दिया ये 100x है और ये 112x है। तो लंबाई 112 रख दिया, चौड़ाई 100x रख दिया, बराबर में 448 रख दिया। x और x का गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 112 और बटे में 100, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में इधर भाग में चले जाएंगे। 112 से ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये x इक्वल टू अंडर रूट 4 बटे 100 आ जाएगा। 4 का क्या बाहर आ जाता है? 2, और 100 का क्या बाहर आ जाएगा? 10, क्योंकि 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो 2/10। एक्स का मान 2/10 निकाल लिया। हमसे कहा आयत की चौड़ाई क्या होगी, आयत की पूछा। x का मान कितना निकाला है? 2/10। तो x का मान 2/10 इसमें पुट कर दो, 10 दहम 100 और 10 दुनी 20, तो आयत की चौड़ाई आ गई 20 मीटर। बताओ कोई परेशानी आपको, कहीं पर कोई डाउट? चले आगे बढ़ाया जाए, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न ये है आपके सामने, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज की क्लास बहुत ही दमदार, आज की क्लास में बेहतरीन प्रश्न लिए गए। जल्दी से आप लोग एक बार पढ़ लो क्वेश्चंस को, और कहीं ना समझ में आया तो भी बताओ, मैं समझा देता हूँ। चलिए अगला बताया जाए, चलिए पढ़ लिया सभी लोगों ने, जैसा जैसे कहा वैसा वैसा ही करना है हमें। बस कह रहा है एक आयताकार मैदान की चौड़ाई, एक आयताकार जो मैदान की चौड़ाई है इसकी लंबाई का 60% है। उसने ये नहीं कहा कि 60% अधिक है या 60% कम है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उसने कहा इसकी जो चौड़ाई है इसकी लंबाई का 60% है, लंबाई जितनी होगी उसका 60% उसकी चौड़ाई होगी, बस इतनी सी बात कहा, ठीक है। तो हमने इसकी लंबाई कह दिया कि हमारे आयताकार की लंबाई 100x है, और 100x का जो है 60% क्या है? चौड़ाई है। तो इसका 60% निकाल लो, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 जाएगा, तो b बराबर क्या जाएगा? 60x। मींस इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 60x। बताओ कोई डाउट कहीं पर? तो b बराबर आ गया 60x। अब क्या कह रहा है आगे समझो, यदि मैदान का परिमाप 800 मीटर है, मैदान का परिमाप कितना है? 800 मीटर है। परिमाप बराबर क्या होता है? 2l प्लस b, 2l प्लस b बराबर कितना है? 800 मीटर है। तो l कितना है ये काट दो, 400, 2 × 4 = 8। l कितना है? 100x है, और b कितना है? 60x है, इक्वल टू 400। ये जोड़ दोगे 160x इक्वल टू 400, ये एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये 4 × 4 और ये 4 × 16 काट दो, ये 2 × 4 और ये 2 × 5 = 10 काट दो, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5, और ये 2/ में भेज दो 5/2। x का मान कितना आ गया? 5/2। पूरा कभी भी पॉइंट में कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि पॉइंट में कैंसिल आउट करोगे तो आपको कैलकुलेशन अपना बढ़ाओगे, थोड़ा सा हार्ड करोगे। हमने हार्ड करने का प्रयास नहीं किया, हमने इतना काटा कि 100 और 60 जोड़ दिया, 160x आ गया, 0 से 0 काट दिया, फिर 4 × 16, 4 × 4 = 10 कर दिया, फिर इसको 4 × 16 और 4 × 4 = 10 कर दिया, इसको 2 × 4 और 2 × 5 = 10 काट दिया, 5/2 x का मान रख दिया। x का मान इसमें पुट कर दो 5/2, 60 × 5/2, तो 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, b कितना आ गया? 150, और इसमें x का मान पुट कर दो 5/2, तो 100 × 5/2, इसको काट दो, 2 × 5 = 10 और 5 × 25 = 25, ये 250, लंबाई 250 आ गई और चौड़ाई कितनी आ गई? 150। ये चौड़ाई है और ये आपकी लंबाई है 250, ठीक है। आपसे क्या कहा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है हमारी? 250, और चौड़ाई कितनी है? 150। दो जीरो है तो लास्ट में 2 जीरो लगा दो, 15 × 5 = 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 × 2 = 30 और 7 × 35 = 3750 m².
आज्ञा आंसर बताओ, कोई डाउट? देखो प्रश्न में हमेशा आपको एक बात को ध्यान रखना, अगर कैलकुलेशन कभी कभी कठिन होने लगे तो x का मान आपको दशमलव में नहीं ले जाना, क्योंकि आप देख रहे हैं x की जो वैल्यू आएगी ये सब कट जाएंगे, और दशमलव में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समय बर्बाद होगा। बताओ दोनों प्रश्न समझ में आए? ये भी दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ये थोड़ा सा नए प्रश्न है। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आयत के आज हमने 9-10 प्रश्न ही लिए थे, आज अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लिया है। कल वाली क्लास और ही बेहतरीन होने वाली है, उसमें और ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लिया जा रहा है। अब जितने जितने बेहतरीन प्रश्न SSC CGL CHSL CPO कांस्टेबल लेखपाल UPSI जहाँ भी UP TET सुपर TET जहाँ भी अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका कलेक्शन किया जा रहा है और आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन दिला के ही मानेंगे इस बार। क्लासेस में भी रेगुलरिटी का प्रयास किया जा रहा है कि क्लासेस रेगुलर रहें, अब्सेंट ना हो हमारे ज़्यादा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।